हेलो मॉमीज, वेलकम टू मॉमीज प्लैनेट इंडिया। मैं पल्लवी आप सबका स्वागत करती हूँ। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है, बच्चा अगर बेड से गिर जाए या उसे चोट लग जाए तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए। जनरली क्या होता है कि बच्चा अगर बेड से गिर जाता है तो माँ पैनिक करने लगती है, अगर किसी और की वजह से गिर जाए वो उससे तो फिर तो बात पूछ ही मत क्या होगा। तो हम कुछ बातों का ध्यान रख के पैनिक कम किए हुए बिना अपने बच्चों को क्योर कर सकते हैं। मेरी भी बेटी एक बार गिर गई थी, मैं भी बहुत परेशान हो गई थी, फिर डॉक्टर ने मुझे कुछ चीज़ें बताई जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। नंबर वन, बच्चा जब चोट गिरता है तो चोट लगने से कम डरता है, वो एक्चुअली डर जाता है कि वो नीचे गिर गया। तो सबसे पहले बच्चे को गोद में उठाएं, उसे चुप कराने की कोशिश करें ताकि वो पहले शांत हो जाए। नंबर टू, आप क्या करो, बच्चे को बेड पर सुला लो और ध्यान से देखो कोई कट तो नहीं है, कोई इंजरी तो नहीं है, कहीं कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही। अगर ऐसा कुछ लगे तो इमीडिएट डॉक्टर के पास रश करना है। अगर ये सब चीज़ें नहीं है तो जहाँ चोट लगा है वहाँ आप थोड़ा सा ना ठंडा पानी या बर्फ ले लो, उस पर लगाने की कोशिश करो। उससे क्या होगा, ब्लड क्लॉट नहीं करेगा और वो बच्चे को सूजन होने से रोकेगा। तीसरा चीज़ आप क्या कर सकती हैं, बच्चे को ध्यान से देखें, वो बेहोश तो नहीं हो रहा, चमकी तो नहीं आ रही, या फिर वो वॉमिट तो नहीं कर रहा, फीवर तो नहीं आ रहा। अगर ये सब चीज़ें हो ना तो आप इमीडिएट डॉक्टर के पास रश करो, बिकॉज ये इंटरनल इंजरी के साइन है। फोर्थ हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो बच्चे को चोट लगने देना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर बच्चे को चोट लग गई है तो आप अपने पास कोई होम्योपैथिक दवा रखें या एलोपैथिक दवा अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके। जैसे मैं एक दवा रखती हूँ आर्निका मोंटाना आपके पास, मेरे बच्चे को अगर चोट लगती है तो मैं उसे दो बूंद देती हूँ और इससे क्या होता है ना, उसका सूजन कम हो जाता है और दर्द कम हो जाता है। आप भी अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके कोई दवा अपने पास रख सकती हैं ताकि उसका सूजन कम हो और आप फर्स्ट एड के रूप में उसको यूज़ कर सकें। बिकॉज क्या है, बच्चे अब चलना सीख रहे हैं, क्रॉल करना सीख रहे हैं, तो थोड़ा बहुत तो चोट लगेगा ना। अब आप कितना भी बच्चा हो थोड़ा सा लगता है तो ओके हो जाता है, इतना पैनिक नहीं करना है, फर्स्ट एड की तरफ ध्यान देना है। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, बच्चे को चोट लगे तो आप नोटिस करो बच्चा दूध पी रहा है, खेल रहा है, ये सब कर रहा है कि नहीं। अगर बच्चा दूध पी रहा है, खेलने लग रहा है, मतलब कोई इंटरनल इंजरी नहीं है, तो आप इन चारों पांचों बातों का ध्यान रखें अपने बच्चे को किसी भी मेजर इंजरी को बढ़ने से बचा सकती हैं। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी तो प्लीज़ आप शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब प्लीज़ करना, और इन बातों का ध्यान रखें अपने बच्चे को चोट लगने से बचा सकती हैं। मैं फिर से एक बार बता देती हूँ, बच्चे को चोट लगी तो गोद में उठा के उसे चुप कराएं। नंबर टू, जहाँ चोट लगी है वहाँ थोड़ा पानी और हल्का बर्फ लगाएं ताकि सूजन नहीं हो। नंबर थ्री, नोटिस करें बच्चा दूध पी रहा है कि नहीं, खेल रहा है कि नहीं। अगर उसे फीवर आए, उल्टी आए, चमकी आए या बेहोश हो जाए तो इमीडिएट डॉक्टर के पास जाना है। नंबर फोर, कोई अच्छी दवा अपने पास रखें जो फर्स्ट एड के रूप में उसे दे सकें, और देखिए बच्चा आपका दूध पी रहा है कि नहीं पी रहा है, खेल रहा है कि नहीं खेल रहा है। अगर आप इन पांचों बातों को ध्यान रखेंगी तो आई एम श्योर आप किसी भी परेशानी से बच सकती हैं।